Good morning, children. Welcome to English class. Children, today we will practice this and that, concept of this and that from your English practice book. Okay, children? First of all, I would like to give you little concept of this and that. Okay, children? But before that, as you know that every English class starts with a proverb. So, I would like to tell you today's proverb, and that is, clothes do not make the person. I'm repeating, clothes do not make the man. Okay, clothes do not make the man. Means a person cannot be judged by looking at the clothes she or he is wearing or the external appearance. True character of a person can be judged only by the inherent qualities she or he has. Okay, children? A person cannot be judged by looking at the clothes she or he is wearing or the external appearance. का मतलब होता है कि किसी को उसके कपड़ों से कि उसने कैसा पहना हुआ है या कैसा दिख रहा है, appearance कैसा है, उससे कभी भी जज नहीं करना चाहिए. ओके, जज नहीं करना चाहिए का मतलब सिर्फ लुक्स देख के किसी का भी, और ये नहीं सोच लेना चाहिए कि अगर कोई बहुत अच्छे लुक्स में है तो वो बहुत अच्छा इंसान होगा. ऐसा हमेशा नहीं होता. ठीक है, ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कैन बी जज ओनली बाय द इनहेरेंट क्वालिटीज शी और ही हैज़. का मतलब है कि जो अंदर की जो क्वालिटी होती है ना, किसी की अच्छाई जो होती है वो बताता है कि इंसान कैसा है. किसी के कपड़े किसी के बारे में नहीं बताते कि इंसान कैसा है. ठीक है, आप उसके नेचर का और उसकी क्वालिटीज़ का अंदाज़ा सिर्फ कपड़े देखकर नहीं लगा सकते, है ना बेटा. ठीक है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो अगर अच्छा इंसान है तो उसकी वैल्यूज़ अच्छी होंगी, वो अच्छी बातें करेगा, है ना. तो आपको उससे पता लगेगा कि वो इंसान कैसा है. किसी के कपड़ों से ये पता नहीं लगाया जा सकता. ठीक है बेटे, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कहावत, है ना, जिसको कि हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं. ऑलराइट, चलिए अब हम लोग दिस और दैट शुरू करें. लेट स्टार्ट दिस एंड दैट. ठीक है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिस और दैट को एक थिंग या एक पर्सन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर मोर देन वन हो जाएगा तो दीज और दैट का यूज़ होगा, ना कि दिस और दैट का. ओके, ठीक है. और दिस और दैट को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसको हमें दिस कहना है और किसको हमें दैट कहना है, उसके डिस्टेंस से समझ में आएगा. नज़दीक की चीज़ों को जो नियर बाय होते हैं उनमें हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो फार अवे चीज़ें होती हैं, जो दूरी पर होती हैं चीज़ें, उनको हम लोग उसमें हम लोग दैट का यूज़ करते हैं. ओके चिल्ड्रन, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम लोग दिस और दैट का यूज़ करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सी दिस पिक्चर. एज यू कैन सी इन दिस शीट, आई एम गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एंड दैट. ओके, सी दिस इज अ बॉल. यू कैन सी दिस इज अ बॉल. ओके, एंड दैट इज अ ट्री. ये एक ट्री है, दैट इज अ ट्री, दिस इज अ बॉल. क्या डिफरेंस है दोनों में? बॉल जो है, बॉल इज नियर, यस, बॉल इज नियर, दैट इज व्हाई दिस इज अ बॉल. क्योंकि बॉल जो है वो नजदीक है और ट्री जो है वो दूर है, इसलिए That is a tree. आई बात समझ में बेटा? क्यों that और this लगाते हैं? Nearby चीजों के लिए
जो पास की चीजें हैं उनके लिए दिस का यूज होता है और जो दूर की चीजें हैं उनके लिए दैट का यूज होता है. ओके नाउ सी दिस इज अ फ्लावर. ओके और ये पास में है इसलिए दिस इज अ फ्लावर. दिस इज अ स्टार. ओके लेकिन स्टार जो है वो दूरी पर है इसीलिए इसको हमने दैट लगाया है. दैट इज अ स्टार क्योंकि ये दूर है, काफी दूर है. स्टार हमसे बहुत दूर होते हैं ना, तो अगर हम स्टार को किसी को दिखाएंगे तो बोलेंगे, अगर कोई स्टार को हम दिखा रहे हैं तो दिखाएंगे दैट इज अ स्टार और दीज आर स्टार्स. ओके ठीक है. अगर स्टार्स तो बहुत होते हैं, अगर सबको दिखाना होगा तो दीज का यूज करेंगे, लेकिन किसी एक स्टार को दिखा रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे दैट इज अ स्टार. ओके ठीक है. नाउ आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल चिल्ड्रन. सी दिस इज अ ब्लू पेन क्योंकि ये नजदीक है तो हम इसको क्या कहेंगे दिस के साथ यूज करेंगे. दिस इज अ ब्लू पेन एंड दैट इज अ ब्लैक पेन बिकॉज वो दूर है, हमें डिस्टेंस दिखाना है. सो वी विल से दैट इज अ ब्लैक पेन एंड दिस इज अ ब्लू पेन. ओके ओके चिल्ड्रन ठीक है. नाउ अनदर एग्जाम्पल लेट्स सी. सी दिस इज अ ब्लैक बटन. दिस इज अ ब्लैक बटन एंड दैट इज अ व्हाइट बटन. दैट इज अ व्हाइट बटन एंड दिस इज अ ब्लैक बटन. जो नजदीक है उसके लिए हमने क्या यूज किया दिस का, और जो दूरी पर है डिस्टेंस पे है उसके लिए हमने क्या यूज किया दैट का. ओके चिल्ड्रन होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. ओके चिल्ड्रन नाउ सी द प्रैक्टिस बुक पेज. ओके पेज नंबर 8. सी द पिक्चर एंड फ्रेम अ सेंटेंस यूजिंग दिस और दैट. ओके यू हैव टू सी द पिक्चर. ओके इन एवरी पिक्चर देर इज अ बॉय और अ गर्ल, दे आर पॉइंटिंग सम ऑब्जेक्ट्स. ओके तो किसी एक ऑब्जेक्ट को बॉय या गर्ल जो है वो पॉइंट कर रहा है, वो आपको देखते हुए समझ में आएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो दूर है कि पास है. एंड by seeing that you have to frame a sentence, okay, using this or that. So जो पहला वाला picture है boy जो है वो घर के पास है, आप देखिए उसमें क्या लगाएंगे. मेरे ख्याल से this लगना चाहिए because बहुत पास से point कर रहा है वो बच्चा, है ना. उसके बाद kite, तो आप imagine कीजिए kite तो दूर ही उड़ता है, yes ना, तो उसमें that लगाना होगा, है ना. Then again a girl is pointing a hill, yes, जो कि काफ़ी दूर है. हिल को पॉइंट कर रही है गर्ल, वो दूरी पर दिखा रही है, इसलिए उसमें भी आपको क्या लगाना होगा दैट लगाना होगा. सेंटेंस आप खुद फ्रेम कीजिएगा बेटा. ओके ठीक है. ये वर्कशीट का एक पेज जो है मैं आपके हेल्प के लिए दिस और दैट बता दे रही हूँ. ओके फिर इसके बाद जो भी आएगा आपको खुद से बनाना होगा. नाउ सी इन पिक्चर नंबर 4 देयर इज़ अ कैट एंड द कैट इज़ वेरी नियर टू द बॉय. बच्चे से लड़के से बहुत नज़दीक है वो कैट, वो लड़का जो पॉइंट कर रहा है कैट को, तो उसमें क्या लगाइएगा क्या यूज़ होगा वहाँ पे दिस का यूज़ होगा, यस ठीक है. उसके बाद क्लाउड्स, आसमान के बादल, क्या वो हमारे नज़दीक होते हैं कि हमसे बहुत दूर होते हैं. तो देखिए ये जो बच्चा है वो पॉइंट कर रहा है, दूर इशारा दिखा रहा है, यस क्लाउड की तरफ, स्काई में या स्काई की तरफ दिखा रहा है. तो स्काई भी तो हमसे बहुत दूर होता है ना. सो दैट आप उसमें क्या लगाएंगे क्या यूज़ करोगे दैट का यूज़ होगा. दैट इज अ स्काई, इजंट इट, ठीक है. दैट इज स्काई. ओके ठीक है. नाउ अब क्या करना है, लास्ट वाले पिक्चर में देखिए एक बच्चा जो है वो जीप के काफ़ी पास खड़ा है और जीप को पॉइंट कर रहा है, यस ठीक है. तो जो पास की चीज़ें हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा है हम क्या यूज़ करते हैं पास की चीज़ों के लिए, यस ना, हम पास की चीज़ों के लिए दिस का यूज़ करते हैं. सो
जो चीज़ें पास में है उसमें दिस लगाएंगे, जीप भी पास में है सो वी विल यूज दिस, क्या लिखेंगे, दिस इज अ जीप, यस, ठीक है। तो होपफुली ये दिस और दैट का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है अब, ओके। सो आप इसको बना लीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पेज नंबर 9, ठीक है चिल्ड्रन, पेज नंबर 9 जो है नेहा इन अ जीप, इसको भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों वर्क है आपका, मैं बताती हूँ इसमें क्या करना है। सी ईच पिक्चर एंड सेलेक्ट अ वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स दैट नेम्स द पिक्चर, ठीक है। आपको सारे पिक्चर्स को देखना है और हेल्प बॉक्स में उसके नाम दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द नेम, यू हैव टू आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड फाइंड द नेम फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, यस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, डबल ई साउंड वर्ड है, ओके, डबल ई साउंड वर्ड को आपको हेल्प बॉक्स से पिक करके सही प्लेस पे लिखना है, ओके, आपको पिक्चर आइडेंटिफाई करते हुए इसमें से हेल्प बॉक्स से ढूंढ के आप लिख देंगे। पहला वाला क्या है, इसको हम लोग पहिया या चक्का कहते हैं, और इंग्लिश में वो क्या होता है, पहिया या चक्का को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, व्हील, ओके। आप हेल्प बॉक्स में देखिए व्हील लिखा है क्या, एंड द स्पेलिंग ऑफ व्हील इज डब्ल्यू एच डबल ई एल, व्हील, ओके, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 में क्या है, केले का छिलका, ओके, तो छिलके को क्या कहते हैं, डू यू नो चिल्ड्रन, आपकी मम्मा किचन में जब खाना बनाती होंगी वेजिटेबल्स को छीलती होंगी, है ना, उसको क्या कहते हैं, पील, पी डबल ई एल, पील, ओके, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपके, पील, ओके। नाउ थर्ड वाला जो है, ये तो ऐसा, तो आपके पास टॉयज भी होते होंगे ऐसे, है ना, ठीक है, या आपने सड़कों पर चलते हुए देखा होगा, दिस इज जीप, जे डबल ई पी, जीप, यस, ठीक है। हेल्प बॉक्स में फाइंड कीजिए और यहाँ पे लिखिए जे डबल ई पी जीप, ओके। नाउ द फोर्थ पिक्चर वी कैन सी ओनली कलर, इजंट इट, ओके, एंड व्हाट इज द कलर, ग्रीन, द कलर इज ग्रीन, ओके, एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ग्रीन चिल्ड्रन, जी आर डबल ई एन, ग्रीन, जी आर ई ई एन, ग्रीन, ओके, नाइस। नाउ ओ द गर्ल इज क्राइंग, सी इन द पिक्चर द गर्ल इज क्राइंग, और इसको रोना को हम लोग वीपिंग भी कहते हैं, वीप, डब्ल्यू डबल ई पी, वीप, ओके। सो द गर्ल इज वीपिंग, सो वी विल राइट वीप हियर, डब्ल्यू ई ई पी, वीप, ओके, ऑल राइट। नाउ इन पिक्चर नंबर 6, व्हाट कैन यू सी, आप क्या देख सकते हैं इस पिक्चर में, क्या दिख रहा है, देयर इज अ फ्लावर एंड अ बी इज ऑन द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर क्या बैठी है, बी है, यस, और ये फ्लावर का जूस, जिसको नेक्टर कहते हैं, फ्लावर का जूस पी रही है, यस, सो इसमें क्या लिखोगे, बी, बी डबल ई बी, ओके, क्या लिखोगे, बी डबल ई बी, ऑल राइट। इसके बाद क्या है, टीथ, टीथ, ओके, अच्छा चिल्ड्रेन, एक अगर एक हमारा एक दांत हो उसको क्या बोलते हैं, टूथ, और कई सारे दांत जो हमारे सेट ऑफ दांत हैं उसको क्या बोलेंगे, टीथ, यस, ठीक है। तो स्पेलिंग ऑफ टीथ इज टी डबल ई टी एच, टीथ, टी डबल, ग्रुप ऑफ टूथ को क्या बोलते हैं, टीथ, ग्रुप ऑफ टूथ को क्या बोलते हैं, टीथ, ओके, टी डबल ई टी एच, टीथ, क्या बोला हमने, टी डबल ई टी एच, टीथ, ओके,
नाउ स्लीप, बच्चा सो रहा है ना, सो सोने को क्या कहते हैं, स्लीप. यस, द स्पेलिंग ऑफ स्लीप इज SLEEP, स्लीप, SLEEP, स्लीप. ओके, इसके बाद क्या देख रहे हैं आप, यू कैन आइडेंटिफाई इट वेरी वेरी इजीली. व्हाट इज दैट, क्या है वो, दैट इज अ ट्री. क्या दिख रहा है पिक्चर में, ट्री. यस, एंड द स्पेलिंग ऑफ ट्री इज TREE. ओके ओके चिल्ड्रन, इसके बाद क्या है, ये पिक्चर शायद आपको थोड़ा परेशान कर सकता है. यस, क्योंकि आपने ऐसा पिक्चर पहले शायद नहीं देखा है. इट इज शीड, बीज होता है, बीज जिससे पौधे निकलते हैं ना. यस, उसको शीड कहते हैं. ओके, तो ये है क्या, सीड. और स्पेलिंग ऑफ सीड इज, सीड की स्पेलिंग क्या होती है, SEED, सीड. ओके, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ सीड, SEED, सीड. ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इसके बाद आपको क्या दिख रहा है पिक्चर में, लास्ट वाला हील, HEEL, हील. हमारी जो एड़ियाँ होती है ना पाँव के नीचे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हील कहते हैं, HEEL, हील. ओके ओके चिल्ड्रन, सो सारी स्पेलिंग्स मैंने आपको बता दी. ओके, आप अब इसको इजीली लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई तो आप कर ही सकते थे. ठीक है, EEE साउंड वर्ड है ये. ओके चिल्ड्रन, सो राइट इट नाइसली. ऑलराइट, अगर आपसे पिक्चर नहीं बनेगा बेटा, तो व्हील से आप नंबरिंग कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 पिक्चर्स आर देयर, 3, 3, 3 and 2. यस, 11 पिक्चर्स आर देयर. अगर कोई भी पिक्चर बनाने में, हालांकि दे आर नॉट सो डिफ़िकल्ट, यू कैन ड्रॉ इजीली, आप बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, और करना भी चाहिए ताकि आपकी ड्राइंग स्किल भी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाए. लेकिन किसी को बहुत परेशानी हो एंड यू आर नॉट हैविंग द बुक, प्रैक्टिस बुक एट होम, अभी आपको नहीं मिला है ये, सो अगर पिक्चर ड्रॉ करने में कोई भी तकलीफ हो, तो प्लीज़ आप नंबरिंग करके और आंसर्स लिख दें. बट सिर्फ आपको मैं ये मौका दे रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो आप उसको छोड़ दें, गिव अप नहीं करना है. ओके चिल्ड्रन, सो प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ, अगर ड्रॉ कर पाएंगे तो प्लीज़ ड्रॉ, अगर नहीं होगा देन ओके, नो इश्यूज़, आप नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4 करके सारा लिख दीजिएगा. ओके, सो डू पेज नंबर 8 and 9, आप कंप्लीट कर लें पेज नंबर 8 और 9 और मुझे भेजें करेक्शन के लिए. ओके चिल्ड्रन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू चिल्ड्रन.